की परवरिश किसी घर में नहीं बल्कि अनाथालय में हुई है। तो चलिए सीधे ले चलते हैं आपको मैच के आंखों देखे हाल की ओर। बॉल यहाँ एससीआईडी के घातक गेंदबाज एसीबी अंकल, अब मैं आपकी इस बॉल पे सीधा चौका मारूंगा। अच्छा? बैट्समैन की गेंदबाज को चुनौती। मैं इतना खराब बॉलर भी नहीं हूँ, समझे? देखना तुम्हें आउट कर देता हूँ क्या नहीं। ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू सर। गेंदबाज यहाँ अपनी फील्ड प्लेसमेंट चेक करते हुए। और अब रेडी गेंद फेंकने को पूरी तरह तैयार। और ये बैट्समैन का शानदार शॉट, क्या ये छक्का जाएगा? ओ नो, ये तो बाउंड्री पे कैच हो गया। सचिनिया जीते की फुर्ती के साथ गेंद की तरफ भागते हुए और ये तंबू में घुस गए। सीआईडी एक बार फिर से इस क्रिकेट मैच में नाकाम साबित हुए। अरे क्या सचिन, क्या छोड़ दिया? अरे अंकल, हमने कहा था ना कि हम आपकी सीआईडी टीम को क्रिकेट मैच में हरा देंगे। ये तो पता था कि तुम लोग जीतने वाले हो। चलो 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 सब लोग चलो। अंकल मुझे तो सबसे बड़ा क्रिकेटर बनना है। देखो बेटा, जिंदगी में खूब मेहनत करना, अगर मेहनत करोगे तो सब कुछ बन सकते हो, जो चाहते हो बन सकते हो, लेकिन मेहनत जरूरी है ना? अच्छा अंकल, अब दोबारा हमारे साथ खेलने कब आओगे? बहुत जल्दी आएंगे और सबको लेकर आएंगे। चलो। श्रेया, हाँ सर। श्रेया लंच टाइम, सबको ले आओ। ओके बच्चों, चलो लंच ब्रेक, खाना खा लेते हैं। जंगल में गिरी, मैं जा रही हूँ। मैं भी आता हूँ। अरे रुको, अकेले मत जाना, मैं आ रही हूँ। लेकर जाओ, मैं तारा और चिंटू को लेकर आती हूँ। तारा, चिंटू, तारा, चिंटू। चले गए चिंटू, प्लीज बाहर आ जाओ। तारा, चिंटू, तारा, चलो यार, भूख लग रही है। तारा देखो, एसीपी सर बहुत डांटेंगे। चिंटू निकल यहां से जल्दी। चिंटू ए रुक, रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगी। मैं सीआईडी से हूं। छोड़ दो बच्चों को, नीचे उतारो, नीचे उतार, छोड़ दे। दीदी, ए रुक, निकल जल्दी, रुक जाओ चिंटू। छोड़ दो बच्चों को, नहीं तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। रास्ता छोड़ हमारा, उतारो नीचे। तारा चिंटू भागो यहाँ से। हम आपके अकेले जगह नहीं भागेंगे। भागो यहाँ से, हम आपको धोखा नहीं जाएंगे। Huh?
छोड़ उसको, चल यहां से। चल निकल, जल्दी जल्दी कर। जल्दी दिख नहीं रही, कहाँ गई है? और श्रेया भी दिख नहीं रही है। सर, श्रेया मैम जंगल में बॉल ढूंढने के लिए गई हैं, लेकिन अब कहीं नजर नहीं आ रही। इतनी देर तक काम करते हैं, जंगल में घुसते हैं। हाँ सर, सर यहाँ पे खून की बूंदें पड़ी हुई। सर कहीं श्रेया मैम को कुछ हो तो नहीं गया? कुछ नहीं होगा श्रेया को, सीआईडी ऑफिसर है वो। देखते हैं ये खून की बूंदें हमें कहां तक ले जाती है। श्रेया मैम, तुम श्रेया? श्रेया श्रेया श्रेया
क्या हुआ, किसने किया ये? क्या हुआ? ब्रीफकेस। ब्रीफकेस? हाँ सर। कौन सी ब्रीफकेस? वो ब्रीफकेस उधर। सचिन देखो जरा, जा। सर किसने किया ये? बच्चे कहाँ हैं? कहाँ हैं बच्चे? सर वो सरदार और चिंटू को दो गुंडे उठाकर लेकर गए थे। तुमने देखा उनको? चेहरे देखे उनके? नहीं सर, उन्होंने मास्क पहने हुए थे। एक एक व्हाइट कलर की वैन में दोनों बच्चों को उठा कर लेकर गए वो। अच्छा वैन का नंबर तो देखा है? नहीं सर, नंबर प्लेट नहीं थी, मगर राइट साइड की टेल लाइट टूटी हुई थी सर। एक रन की वैन, राइट साइड टेल लाइट टूटी हुई थी ना इशिता। जल्दी से सारे चेक ना कर, तुरना को पर फोन करो, पर इस गाड़ी के बारे में बताओ, सब कुछ डिटेल में बताओ, जल्दी। हाँ सर, मैं दोनों बच्चों को बचा नहीं पाई। सर हाँ, ये रहा वो ब्रीफकेस। माय गॉड, कुछ दिन सेहत का ध्यान रखिएगा, सर पर भी काफी जख्म आया है। ये जख्म तो भर जाएंगे तेरे, बच्चों को मैं गुंडों से बचा नहीं पाई, इस बोझ को मैं कभी झेल नहीं पाऊंगी। श्रेया क्या कर रही हो तुम? ऐसा मत सोचो, उन बच्चों को हम बहुत जल्द ढूंढ निकालेंगे। और फिर तुमने वो ब्रीफकेस छीन लिया हाथ से उसके। एक बार डॉक्टर साड़ों के उस ब्रीफकेस से कोई सॉलिड सबूत निकाल लें, उन बच्चों तक हम बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। ऑर्डर साहब, कुछ मिला क्या? किसी औरत का हाथ है, हाथ पर मेहंदी लगी हुई है और नाखूनों पर नेल पॉलिश है। डॉक्टर साहब ये सब हमें पहले से पता है, कोई खास डिस्कवरी हो तो बताइए। हाँ है ना, लगता है इस औरत ने हाल फिलहाल में ही मेहंदी लगाई, क्योंकि मेहंदी का रंग बहुत गाढ़ा है। ये डिस्कवरी है। अरे ये सब पहले से पता है सर, कुछ और? कुछ और अभी नहीं पता लग सकता यार, मजाक है क्या सब कुछ यार? पहले इस हाथ को लेबोरेटरी में भेजो, फॉरेंसिक लैब में, वहां पर डीएनए टेस्टिंग होने दो, उसके बाद पता लगेगा ना यार। बहरहाल फिलहाल तुम इतना तो पता लगा सकते हो कि जहां से ये हाथ मिला है वहां पर कोई शादी ब्याह हुआ है क्या? ये पता लगाने के लिए मैं वंश को पहले ही भेज चुका हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। तो अभी मैं भी चलता हूँ, और हाँ अगले 12 घंटे तक मेरी लैब में कोई मुझसे कुछ पूछने के लिए नहीं आएगा, अंडरस्टैंड? ठीक है सर, नहीं पूछेंगे। जब तारिका जी है तो आपसे क्यों पूछें? ये डॉक्टर साहब कमाल है, गुस्सा बस नाक पे रखता है इनके। सर मुझे तो लगता है उन बच्चों ने शायद जुर्म को होते हुए देख लिया, तभी तो वो गुंडे उन्हें अपने साथ ले गए। बात तो ठीक है फ्रेडी, वरना अनाथ बच्चों को कोई पैसों के लिए तो किडनैप करेगा नहीं। हेलो, क्या नहीं गुजरी? ओके ठीक है, श्योर, थैंक यू। क्या हुआ? सर उस टोल नाके से अब तक कोई ऐसी गाड़ी गुजरी नहीं है जिसकी एक टेल लाइट टूटी हुई हो। अच्छा सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस गाड़ी वाले ने लाइट को रास्ते में ही रिपेयर करवा दिया हो? बच्चों को गाड़ी में रख के वो लोग रास्ते में गाड़ी रोकने की गलती नहीं करेंगे। शायद उनका अड्डा आसपास ही है, जहां जाने के लिए टोल नाके से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती। सर, सर उस इलाके के पास एक हवेली है जहां पिकनिक के दौरान सगाई का फंक्शन चल रहा था। सगाई का फंक्शन? फिर तो हो सकता है ये हाथ
उस सगाई के फंक्शन में से ही किसी लड़की का हो। जी हाँ, कल रात हमारी भतीजी प्रियंका की सगाई थी। फिर तो काफी लोग आए होंगे यहाँ। जी नहीं, सिर्फ परिवार वाले थे। सारे परिवार वाले अभी यहाँ पर हैं? हाँ, सिवाय प्रियंका के। आप? मैं प्रियंका का मंगेतर, डॉक्टर रमन। रमन जी, प्रियंका क्यों नहीं है? वो दीदी इस वक्त अपने कमरे में सो रही है। देखिए, हमारा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। पर बात क्या? रमन जी, आप हमें सिर्फ उनका कमरा दिखा दीजिए प्लीज। आइए चलिए। She's dead. जिस बात का शक था वही हुआ। सर, सर खून सिर्फ इस बेड पर है, कमरे में और कहीं नहीं। और सर कमरे का सामान भी बिखरा हुआ नहीं। सर इसका मतलब जब प्रियंका सो रही थी तभी खूनी ने उसका हाथ काटा। पर जब इसका हाथ काटा होगा तो ये चिल्लाई तो होगी ना। चिल्लाती कैसे निखिल? उसकी गर्दन के निशान साफ बता रहे हैं कि खूनी ने पहले गला दबाकर उसकी जान ली और फिर उसका हाथ काटा। पर अगर खूनी ने प्रियंका को मारी डाला था फिर उसका हाथ क्यों काटा और हाथ काट के उसे ब्रीफकेस में क्यों लेके जा रहा था? एक काम करते, इस कमरे की सही से तलाशी लेते। खिड़कियां बंद हैं, दरवाजा बंद है, वो खूनी इस कमरे में आया कहां से? हाँ सर, और कोई खुफिया रास्ता भी नहीं है यहाँ पर। बाथरूम की खिड़की इतनी छोटी है कि कोई इंसान उसमें से अंदर आ ही नहीं सकता। इसका मतलब खूनी जो कोई भी है वो अंदर का ही है। वो चुपचाप दबे पांव कमरे में आया, खून किया, फिर आराम से चला गया। आज ही मैंने उसे अपने क्लिनिक से कई बार फोन किया, पर उसने फोन पिक नहीं किया। मुझे उसी समय समझ आना चाहिए था। नियति को फोन बदल सकता है। किसी का खून होना नियति की बात नहीं बल्कि जुर्म होता है। अब ये बताइए कि इस कमरे में सगाई के बाद प्रियंका से मिलने कौन कौन आया था? सबकी जबान पे तो ताला लग गया। इस ताले को खोलने का तरीका है हमारे पास। इस कमरे के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगा है उसकी फुटेज हमें बताएगी कि इस कमरे में कौन कौन आया और कौन कौन गया। थोड़ा फॉरवर्ड करना पूरी।
पॉज करना। ये आदमी प्रियंका के कमरे में बहुत सारा गिफ्ट लेके गया, लेकिन एक मिनट में वापस आ गया। हाँ निकल, एक काम करो, घर वालों को अंदर लेकर आओ। अब लो प्लीज थोड़ा अंदर आइए। आइए, आप लोग इस आदमी को जानते हैं? ये हमारे होटल का मैनेजर है। अच्छा, पहले तो दिखा नहीं, मैनेजर को लेकर आना। यस सर। थोड़ा फॉरवर्ड। थोड़ा फॉरवर्ड कर। लड़की 1:30 बजे कमरे के अंदर गई और 2 घंटे के बाद बाहर निकली। इस लड़की को देखा आपने? ये कौन है? इसको तो हमने पहले कभी यहाँ नहीं देखा। सगाई के फंक्शन में भी नहीं? जी नहीं, हमने कभी नहीं देखा इसे। हाँ लेकिन यहाँ के वॉचमैन ने तो जरूर देखा होगा। निखिल, वॉचमैन को बुला कर लाना। सब सब जगह देख लिया मगर मैनेजर कहीं मिला नहीं। सर मिला नहीं? सुबह तो यही था, शायद मार्केट गया होगा सब्जी लेने के लिए। कमाल है, पहली बार सुन रहा हूँ कि इतने बड़े होटल का मैनेजर बाहर सब्जी लेने जाता है। ये इस होटल के वॉचमैन का नाम है रिंकू। रिंकू जी, इस होटल के मैनेजर को तुमने यहाँ से बाहर जाते हुए देखा था? नहीं सर। इस लड़की को देखा था? हाँ सर, ये तो वही लड़की जो कल रात प्रियंका मैम से मिलने आई थी। क्या, कोई भी अरे गहरा आएगा प्रियंका से मिलने, तो तुम्हें संदेह जाने दिया? नहीं साहब, हमने पहले प्रियंका मैम को फोन किया उनके रूम में, उन्होंने बोला आने दो तो हमने आने दिया। इसका मतलब प्रियंका इस लड़की को जानती थी, और आप लोग कह रहे हैं कि आप इस लड़की को जानते नहीं। रिंकू एक बात बताओ, ये लड़की कल होटल अपनी गाड़ी से आई थी या फिर? सर ये लड़की टैक्सी से आई थी। टैक्सी? उस टैक्सी का कोई नंबर रिकॉर्ड किया तुमने, कहीं लिखा कुछ? हाँ साहब, मैं होटल के अंदर जितनी भी टैक्सी आती है उनका नंबर लिख के रखता हूँ रजिस्टर पे। ये फोटो ध्यान से देखो, ये लड़की कल रात तुम्हारी टैक्सी में बैठी थी। आप लोग कौन? हम लोग CID से। CID साहब, मुझे तो इस पे पहले से ही शक था कि लड़की में कोई गड़बड़ है। क्यों, क्या हुआ? ये लड़की 1 बजे रात को अकेली हमारी टैक्सी में आके बैठ गई और कहने लगी मुझे कुंदन नगर हवेली पे छोड़ दो। अच्छा, फिर? फिर क्या, मैंने उसे कह दिया कि वापसी के भी भाड़े देने पड़ेंगे। और वह तैयार हो गई? क्यों? मान तो गई, लेकिन हवेली पे जाने के बाद उसने कहा कि थोड़ी देर इंतजार करना पड़ेगा, और 2 घंटे लगा दिए, और 2 घंटे के बाद उधर से वो दौड़ती हुई चली आई और मुझे कहा कि चलो। मैंने पूछा कहाँ, तो बोली कला नगर म्यूजियम पे। कला नगर म्यूजियम? सर इतनी रात को तो ये म्यूजियम बंद रहता है ना? हाँ सर, मैंने यही उनसे पूछा, पर उन्होंने कहा तुम अपने काम से काम रखो। काम से काम तो अब CID रखेंगे, कला नगर म्यूजियम। टोल नाके से पहले यही वो घना जंगल है जहाँ पे वैन छिपाई जा सकती है। हाँ सचिन, वैन यहीं कहीं होनी चाहिए, चेक करना पड़ेगा। कितनी बार कहा है तुम लोगों को कि कोई गलती नहीं होनी चाहिए, अगर तुम सब लोग निकम्मे हो निकम्मे। बॉस, हमारी तरफ से तो सब सही जा रहा था, पता नहीं ये बच्चे अचानक कहां से आ गए, हमें कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए हम बच्चों को उठाकर हमारे साथ में ले आए। तो मुझसे क्या चाहते हो,
उन बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर घोड़ा घोड़ा खेलूं? एक काम करो, आग लगा दो उस वैन को, बच्चों के साथ ही ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। क्या बच्चों को जला दूं? सुना नहीं मैंने क्या कहा? हाँ बॉस। एक से बढ़कर एक बेवकूफ पाल रखे हैं मैंने। चिंटू हमें कुछ करना आएगा, वरना पता नहीं ये बुरे अंकल हमारे साथ क्या करेंगे। इस आदमी के सीने में दिल है या पत्थर? कितनी आसानी से कह दिया कि बच्चों को जला दे। अरे तो हम कौन से महात्मा हैं? बॉस ने कहा है तो कर देते ना। चल ठीक है। ए, जल्दी करना। अरे रुकना, हलुआ है क्या? कर रहा हूं ना। ये ले पकड़। चल जल्दी से डाल। ये अरे भाई, अरे बच्चे, चल उस तरफ भागे। चल जल्दी कर। कहाँ गए? जा उधर देख। अरे वो देख, वो रहे, पकड़। चल 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 जल्दी। हमने जो कुछ भी किया पैसे के लिए किया साहब। हम असली गुनहगार नहीं है साहब, वो बच्चों ने हमारा चेहरा देख लिया था। इसलिए हम उन्हें अपने साथ उठा लाए। कौन असली गुनहगार? बोल, नाम बता उसका। हमने उसका चेहरा नहीं देखा साहब, क्योंकि वो गाड़ी में आया था और पैसे दे के चला गया साहब। गाड़ी में आया था तो उसका गाड़ी नंबर, मोबाइल नंबर, घर का नंबर कुछ तो याद होगा। साहब उसका मोबाइल नंबर है मेरे पास। देखो जल्दी कर। देता हूँ साहब, ये वाला सर। है कौन ये मिस्टर एक्स? सर इस म्यूजियम में पहले आप आ चुके हैं? हाँ एक बार आ गया दया के साथ। तो सर मुझे भी म्यूजियम में आके एंटीक चीजें देखना काफी पसंद है सर। फिलहाल हमें तो ये पता करना है कि वो लड़की इस म्यूजियम में क्या करने आई थी। सॉरी, एक मिनट एक मिनट। सॉरी बोला ना, गलती से धक्का लग गया। एक मिनट, जो गुनाह आपने किया है उसके लिए सॉरी कुछ भी नहीं है। क्या, एक मामूली सा धक्का लगने को आप गुनाह का नाम देंगे? उसे नहीं, लेकिन खून करना तो एक गुनाह है। क्यों किया प्रियंका का खून? क्या उनका खून हो गया? ये नहीं हो सकता। बंद करो ये मगरमच्छ के आंसू। जो पूछा उसका जवाब दो। मैंने किसी को नहीं मारा, मैं तो सिर्फ वहां उनकी मदद करने गई थी। रात को 1:30 बजे ऐसी कौन सी मदद चाहिए थी प्रियंका जी को? उनको लग रहा था कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए उन्होंने मुझे वहां बुलाया था। थैंक गॉड तुम आ गए। मगर हुआ क्या इतनी रात गए बुलाए? क्या हुआ कुछ तो बताओ, क्या हुआ? तुम इतनी टेंस क्यों नजर आ रही हो? मेरी जान को खतरा है। क्या, मगर किससे? ये सब बातें करने का बिल्कुल वक्त नहीं है। ये बताओ जो सामान मैंने तुमसे मंगवाया था तुम लेकर आई हो? अब फटाफट मेरे लेफ्ट हैंड का प्रिंट ले लो। डू इट फास्ट।
अपना लेफ्ट हैंड यहाँ रखो। अभी तक तुमने मेरी बहुत मदद की है, मेरा एक और काम कर दोगी प्लीज? काला नगर के म्यूजियम में जाके ये हैंड प्रिंट और अंगूठी मिस्टर सुमेश को जाकर दे देना प्लीज। पर ये सब क्यों? ये सब मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, तुम अभी जाकर म्यूजियम में मिस्टर सुमेश को मिलोगी। जी राजकुमारी जी। और सुनो, काम हो जाने के बाद ये अंगूठी मेरे सिवाय किसी को मत देना, अगर मुझे कुछ हो जाए तब भी नहीं, ओके? तो उन्होंने अपने हाथ का इम्प्रिंट बनवाया और उसे म्यूजियम के मैनेजर सोमेश को देने को कहा। जी, मगर उसने अपने हाथ का इम्प्रिंट बनवाया क्यों? वो तो मुझे नहीं मालूम। आप जरा वो अंगूठी दीजिए जो प्रियंका जी ने आपको दी। ये तो काफी अनमोल लगती है। सर ये अंगूठी, वो कटा हुआ हाथ, ये म्यूजियम, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका जवाब तो ये मैनेजर सोमेश जी देंगे। ये बहुत प्रसिद्ध और पुरानी पेंटिंग है, राजा रवि प्रताप ने इसे बनवाया था। इस तरह की कलाकारी करने का उसे बहुत शौक था। मिस्टर सोमेश? यस। सीआईडी। सीआईडी? क्या बात है सर? जरा इधर आइए, आपसे कुछ बात करनी थी। कीजिए ना सर, मुझसे कोई गलती हुई क्या? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। आप जरा ये अंगूठी देखिए, इसे पहचानते हैं? जी हाँ, ये राजकुमारी प्रियंका जी की अंगूठी है। आपके पास कैसे आई? ये हमें रागनी ने दी है, अभी अभी गई है ना म्यूजियम से बाहर, वो ये अंगूठी और राजकुमारी के हाथों का इम्प्रिंट लेके आई थी, है ना? जी हाँ, इस म्यूजियम में काफी सारे राजघरानों के जो यहाँ के ट्रस्टीज हैं उनके पर्सनल लॉकर्स हैं। जब कभी खास एग्जीबिशन होता है तभी हमारे लॉकर में रखे हुए पुश्तानी हीरे जेवरात हम उसमें पेश करते हैं। लेकिन लॉकर्स खोलने के लिए लॉकर्स के मालिक को आना पड़ता होगा ना यहाँ पे? जी नहीं, ये जरूरी नहीं, कभी कभी मालिक अपने खास आदमी को भेज कर लॉकर खुलवाते हैं, क्योंकि यहाँ फुल सिक्योरिटी है और हर एंटीक रजिस्टर है। I see. हम वो प्रियंका जी का लॉकर देख सकते हैं? क्यों नहीं, आइए। ये रहा उनका खास लॉकर। प्रियंका जी के हाथ का इम्प्रिंट इसका पासवर्ड था। सर इसलिए प्रियंका का हाथ? क्या हुआ? नहीं कुछ खास नहीं। आप ये बताइए, अभी इसका पासवर्ड, नया पासवर्ड क्या है? सॉरी सर, ये तो कॉन्फिडेंशियल है, मैं नहीं बता सकता। ये आपको बताना पड़ेगा क्योंकि प्रियंका का खून हो गया है। और? जी हाँ। और खूनी तक पहुंचने के लिए हमारा ये जानना बहुत जरूरी है कि इस लॉकर में क्या है और प्रियंका ने अपना पासवर्ड जल्दबाजी में क्यों बदला। प्लीज, आपके पास जो अंगूठी है यही नया पासवर्ड है। अंगूठी? ये पासवर्ड है? जी हाँ। अब जरा ये लॉकर खोलिए। मतलब सर ये सब कुछ इसके लिए हुआ? लग तो ऐसा ही रहा है। हाँ बताओ। कुंडो के पास से जो नंबर मिला था वो कुंदनपुर के होटल के मैनेजर का है?
वेरी गुड वेरी गुड। नहीं मिलते हैं, मिलते हैं उससे, मिलते हैं। चलो अच्छा हुआ घर पे पहुंच गया। किसी ने देखा भी नहीं सिवाय हमारे। सीआईडी? हाँ सीआईडी। चल बैठ। बोल राजकुमारी का खून क्यों किया तूने? मैंने राजकुमारी को नहीं मारा सर, मैंने तो जो किया वो उसके कहने पे किया। किसके किसके कहने पे किया? पता नहीं सर, मुझे तो एक पर्ची मिली थी, उस पर लिखा था कि मैं राजकुमारी के कमरे की खिड़की खुली छोड़ दूं। अच्छा, ताकि खूनी कमरे के अंदर जाए, राजकुमारी का खून करे और खिड़की के बाहर, बाहर से खिड़की बंद ऑटोमेटिक, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जी। अच्छा, उसने तुझे पर्ची दी और तूने काम कर दिया। असली बात बता, क्यों किया तूने? सर वो उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी मदद नहीं की तो मेरे अतीत के बारे में सबको बता देगा कि मैं जेल गया था। अच्छा, जेल जाके भी सुधरा नहीं है? पर्ची कहाँ है? सर वो तो मैंने फाड़ के फेंक दी। फाड़ के फेंक दी? वो तो फाड़नी ही थी। तुझे एक पर्ची पे धमकी दे दी, तूने इतना बड़ा काम कर दिया, ये हो नहीं सकता। असली बात बता, क्यों किया तूने ये सब, बता। देखिए सर मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता सर। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको तो मैं। नहीं नहीं, रुको रुको रुको, तुम लोग जरा बाहर जाओ, मैं संभालता हूँ इसको। सर सर सर, बाहर बहुत पब्लिक है, कहीं बाहर ले चलो। बाहर काम मैं संभाल लूंगा। चल जा। हमें मालूम है तूने किसी के कहने पे किया है, और वो कौन है वो तो हम पता लगा ही लेंगे, इसलिए तेरा जिंदा रहना कोई जरूरी नहीं है। तू ऊपर चला जाएगा तो धरती से एक पापी कम हो जाएगा। बोल क्या करना है, बताते हैं? मुझे नहीं पता, नहीं पता मुझे। बोल। मुझे 10 लाख रुपए दिए थे उसने। 10 लाख रुपए? आजा भाई, 10 लाख रुपए का चक्कर है। चल, पैसे कहाँ हैं? पैसे दिखा। हाँ, अंदर हैं। निकल। लाता हूँ। सर, नुस्खा काम आ गया। सर, इसमें से तो अजीब सी गंध आ रही है, जैसे हॉस्पिटल में दवाइयों की आती है। में से नहीं है, अखबार में से आ रही है। एक मिनट सर, इस पे कुछ नंबर लिखा हुआ है। 82184। तो घर का एड्रेस लिखा है, दवाई की स्मेल और ये घर का एड्रेस। अब समझ में आया वो पर्ची दी किसने थी। कितनी बार उसे समझाया कि हमारा अभी मिलना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी
फिर भी पता नहीं हो क्यों मुझसे मिलना चाहता है। This better be important. Yes, it is important. मेरा तुमसे मिलना बहुत जरूरी था, क्योंकि मुझे मेरा पैसा चाहिए। अभी। कैसा पैसा? पैसा कैसा होता है? अब ये भी तुम्हें समझाना पड़ेगा। जब प्लान ही फेल हो गया तो पैसे का तो सवाल ही नहीं उठता। तुम्हारी गलतियों का खामियाजा मैं क्यों भुगतूं? प्रियंका से शादी करने के बाद वो वैसे भी करोड़पति बनने वाला था, और तुमने मुझे गलत राह पे चलाया, और इसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। देखो, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं, लेकिन जब लॉटरी लगी ही नहीं तो इनाम बांटने का सवाल कहां से उठता है? लॉटरी तो लगी है सीआईडी वाली। सीआईडी? और इनाम भी बहुत जबरदस्त मिलेगा अंकल जी। रमन, तुमने सीआईडी को बुलाया है? जब पार्टनरशिप की है तो जेल अकेले कैसे जाता? क्या मतलब? मतलब मैं समझाता हूँ। जब हमें होटल के मैनेजर के घर से न्यूज़पेपर में इस डॉक्टर के क्लिनिक का एड्रेस मिला तो हम समझ गए थे कि प्रियंका के मर्डर में पहला मोहरा ये डॉक्टर है, मगर हमें पता चल गया था कि इस डॉक्टर में इतनी हिम्मत नहीं कि किसी का खून कर सके। तब हमने एक प्लान बनाया। तुम्हारा भांडा फूट चुका है, अपनी भलाई चाहते हो तो मुझसे मिलने आओ, वरना सीआईडी को सब बता दूंगा। आज तुझे अपने इस धोखे की कीमत चुकानी होगी, अपनी जान देकर। कहाँ हो तुम? अब चूहे की तरह बिल में छिपके क्या बैठ गए हो? लो मैं आ गया। क्या हुआ, डर गए क्या? अब डरने की बारी तुम्हारी है। तो रमन, राजकुमारी प्रियंका के होने वाले दूल्हे, बहुत बड़ा धक्का लगा हम यहाँ पे देख के। ये चिट्ठी हमने ही भेजी थी। अपनी होने वाली दुल्हन का खून किया तुमने, हिसाब तो देना पड़ेगा। कह रहे आप लोग, हमने ये सब प्रियंका की दौलत पाने के लिए किया था। हाँ, और अब फटाफट अपने पार्टनर का नाम बता दे जिसके साथ मिलके तूने ये पूरी खिचड़ी पकाई है। चलो अब फांसी के फंदे के लिए तैयार हो जाओ। अरे इसके पहले मैं तुम लोग को ऊपर पहुंचा दूंगा।
जेल यहाँ से बहुत दूर है, उम्र भी हो गई है, भाग नहीं पाएंगे। सीआईडी की जीप पे छोड़ देते हैं आपको। कहने को तो प्रियंका मेरी भतीजी थी, लेकिन भाई साहब की मौत के बाद मैंने ही प्रियंका को पाल पोस कर बड़ा किया, एक बाप का फर्ज निभाया, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? भाई साहब ने अपनी सारी प्रॉपर्टी प्रियंका और उसके होने वाले पति के नाम कर दी थी। इसलिए प्रियंका के होने वाले पति को भी तुमने अपने प्लान में शामिल कर लिया। हाँ, रमन बेवकूफ निकला, वो मेरी बातों में आ गया। पर्दे के पीछे रहकर मैंने सारे गुनाह इसी से करवाए। गुंडों को पैसे देने से लेकर खिड़की खुले रखने और हाथ काटने तक। मगर प्रियंका को भनक लग गई थी कि उसकी जान को खतरा है, इसीलिए उसने अपना पासवर्ड चेंज कर लिया और तुम लोगों के प्लान पे पानी फेर दिया। क्यों? हमें पता भी नहीं था कि उसने मेरी और अंकल की बातें फोन पे सुन ली है। सर, काश प्रियंका ने हमारी मदद ली होती तो उसकी जान बच जाती। वो आई थी मेरे पास ये बताने के लिए कि रमन उसकी जान लेना चाहता है, लेकिन उसे क्या पता था इस जुर्म का असली सूत्रधार कौन है? एक बार भी शर्म नहीं आई तुम्हें? अपने स्वार्थ के लिए अपनी भतीजी की जिंदगी उजाड़ दी तुमने? तुम जैसे लोगों के लिए तो फांसी भी कम है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।